वेलकम ऑन हैदर टेक फैक्ट्री यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम चैट जीपीटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये क्या है, इसे किस तरह यूज़ करते हैं और ये आजकल ट्रेंडिंग में क्यों है। तो सबसे पहले चैट जीपीटी एक टूल है एआई, जिसको आप इंस्ट्रक्शंस देते हो जिस तरह आप जारवस को देते थे, या जितने भी जो राइटिंग टूल्स हैं या आर्ट मेकर टूल्स हैं उनको आप कमांड्स देते थे, और वो आपको जो आपकी कमांड्स उनको फॉलो करते हुए आपको जो भी चीज़ चाहिए थी वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सेम उसी मेथड पे जो चैट जीपीटी है वर्क करता है, लेकिन उनसे ये ज़्यादा तेज़ है, बिकॉज़ इसके पास उनसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। उनकी जो इंफॉर्मेशन थी वो लिमिटेड थी, लेकिन ये ओपन ही है। ये मतलब इंटरनेट पे जितनी भी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी, उन सब का इसके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ज़रूर है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके रिकॉर्ड की बात कर लें, तो चैट जीपीटी ने 1 मिलियन यूज़र जो है वो 5 दिन के अंदर हासिल किए हैं, जबकि फेसबुक को 10 साल लगे थे, नेटफ्लिक्स को 3.5 साल, स्पॉटिफाई को 5 मंथ और इंस्टाग्राम को 50 डेज़। तो इतने टाइम के अंदर उन्होंने 1 मिलियन यूज़र्स जो हैं वो गेन किए थे, जबकि चैट जीपीटी ने 5 दिन के अंदर उतने यूज़र्स जो हैं वो कैच किए हैं, ये गेन किए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये टूल कितना ट्रेंडिंग है। उसके अलावा फोर्स पे भी आप जो है वो इस टूल के बारे में पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है चैट जीपीटी पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक बॉक्स शो होगा, तो यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है इस टूल को। बेसिकली जो चीज़ें आप जाके गूगल पे सर्च करते थे वो आपको अब एक वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रॉब्लम है, हाउ टू गेट बैकअप ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, वहाँ पे हज़ारों वेबसाइट्स मेरे पास जो होते हैं, कभी एक पे जाता हूँ कभी दूसरे पे जाता हूँ। उसमें से कुछ साइट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन भी मुझे देती हैं, लेकिन मुझे टाइम लगता है। और इस टूल के अंदर मैं इसे जस्ट यहाँ पे लिखूँगा हाउ टू गेट बैकअप वर्डप्रेस वेबसाइट, जस्ट मैंने इतना लिखा। इसे मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी, और उसके बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और फिर हमें बताएगा कि आपने जो है वो वेबसाइट का सॉरी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो गलत दे दी हैं मैंने। तो क्रिएट अ बैकअप, बट वो समझ गया है कि मैंने मुझे कौन सी चीज़ चाहिए। मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस लिखना था, तो खैर वो वेबसाइट वेबसाइट दो दफ़ा लिखा गया, बट वो सारी चीज़ें जो है वो हमें बता रहा है किस तरह जो है वो आप बैकअप लोगे। कोई भी अगर आपको इश्यू हो जो आप यहाँ पे लिखो, सारी जो इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो आपको देगा, बिकॉज ये ओपन ही है। ये इंटरनेट पे जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है वो इसके पास ऑलमोस्ट सभी है। ये इसने सारा बता दिया आपको कि आप सी पैनल में जाओ और वहाँ से आपको ये मिल जाए। अब मुझे कोई कोड चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ HTML डाउनलोड, सॉरी डाउनलोड इंस्ट्रक्शन मैंने उसे दे दी। मुझे HTML के अंदर ना डाउनलोड बटन कोड चाहिए, बिकॉज वो मुझे गूगल से नहीं मिल रहा, या जस्ट इसे चेक करने के लिए। उन्होंने ये नहीं जी, आपको वो कोड उसने बना के दे दिया, जस्ट कॉपी करो और अपनी वेबसाइट के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हो। मोस्टली ए पी के जो साइट है उसके अंदर यूज़ होते हैं। एंड उसके बाद ये कंप्लीट आपको अच्छे से समझाएगा, जिस तरह अभी मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो ये अभी टेस्टिंग मोड के अंदर है। कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके इसके पास आंसर्स मे भी ना हो, बट मोस्टली जो इंफॉर्मेशन है आपके क्वेश्चन के रिलेटेड या आपके क्वेरीज के रिलेटेड वो इसके पास हैं। तो इस तरह ये टूल वर्क करता है और आपको आपकी क्वेरीज के रिलेटेड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। उसके अलावा यहाँ पे इनका डिस्कॉर्डर है, जिस तरह फेसबुक या ट्विटर या जितना भी जो सोशल मीडिया कम्युनिटी है, तो लोगों ने जो भी चीज़ें इस टूल को यूज़ करते हुए बनाई हैं वो यहाँ पे शेयर करते हैं। आप यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कम्युनिटी। आई होप आपने इस वीडियो को लास्ट में एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लास्ट में लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको चैट जीपीटी कैसा लगा और आप फ्यूचर में इसे कैसा देखते हैं।
मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।